नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय वर्मा। बिजली की दुकान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सभी मिस्त्रियों के लिए खुशखबरी है, जो भी मिस्त्री बिजली फिटिंग के अंदर आरआर कंपनी की वायर लगाता है, चाहे वह सुपर एक्स हो या फायर एक्स हो, इन दोनों के अंदर ही एक कूपन निकलता है। यानी कि सुपर एक्स के अंदर भी कूपन निकलता है और फायर एक्स के अंदर भी कूपन निकलता है। इस कूपन को हम अपने मोबाइल के अंदर रिडीम कर सकते हैं और अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर रिचार्ज कर सकते हैं। यह कूपन स्पेशल मिस्त्रियों के लिए होता है, परंतु और कोई व्यक्ति भी इन कूपनों को रिडीम करना चाहता है तो भी कर सकता है। तो इस वीडियो में हम आपको अच्छे से डिटेल से बताएंगे कि कहां पर कूपन होता है, किस तरह से आप रिडीम करेंगे, बैंक में कैसे ट्रांसफर करेंगे, इस तरह से भी डिटेल हम इस वीडियो में आपको देने वाले। तो कृपया करके आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे पास वायर बॉक्स होता है। नीचे की साइड आप देखेंगे, यहाँ पर जहाँ पर भी इस तरह को आपको दिखाई दे, जैसे कि यहाँ पर रेट वगैरह लिखा होता है, उस साइड का जो गत्ता है उसको आप एक बार उखाड़ लें। ऊपर वाला जो गत्ता आप देख सकते हैं, इसको आपको अच्छे से उखाड़ लेना आराम से। ध्यान रखना कि इसके नीचे एक गुप्पन होता है, उसको वह नहीं फटना चाहिए। अब आप नीचे की साइड देखेंगे, साइड में एक आपको गुप्पन दिखाई देगा, इसके ऊपर लिखा होता है इलेक्ट्रिशियन कोड। देख सकते हैं इस तरह का गुप्पन होता है। इस गुप्पन को हम अलग कर लेते हैं। इस गुप्पन को हमने अलग कर लिया है। अब इस गुप्पन को हम स्क्रैच करेंगे, जो ऊपर वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर जैसे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिशियन कोड, उसके नीचे वाले जो जगह है उसको हम स्क्रैच करेंगे। जब भी आप स्क्रैच करते हो, ध्यान रखना कि नीचे कोड होता है वह फटना नहीं चाहिए। उसको आप ध्यान से करें, यानी कि हल्के हाथ से इसके ऊपर वाला जो स्क्रैच है उसको हम करेंगे। तो आप नीचे की तरफ देखेंगे, नीचे आपको कोड दिखाई देगा। देख सकते हैं इसके ऊपर कोड लिखा हुआ है, कोड आपने निकाल लिया है। अब आपको क्या करना, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एंड्रॉयड फ़ोन लेना है। एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर आपको प्ले स्टोर खोलना है, जैसे कि मैंने प्ले स्टोर खोलिया है। उसके बाद में आपको सर्च करना है आर कोनेक्ट, इसके नाम से आप करेंगे तो सबसे ऊपर वाली जो आपको दिखाई दे रही एप्लीकेशन ये है, इसको आप इंस्टॉल करेंगे। मैंने इंस्टॉल की हुई है इसलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। मैंने इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद में आपको इस तरह से आपको दिखाई देगा। इसके अंदर आपको अपना मोबाइल नंबर है वह डालना है और सेंड OTP के ऊपर आपको क्लिक करना है। मैंने इसके ऊपर इसको क्लिक कर दिया है। जो नंबर आपने डाला था उसके ऊपर एक टेक्स्ट मैसेज आएगा, उसके ऊपर कोड आएगा, उस कोड को आपको एंटर कोड के अंदर डालना है और लॉगिन कर लेना है। उसके बाद में अलग अलग लैंग्वेज आएगी, हम इंग्लिश पे कर देते हैं। इस तरह से स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। आपको सबसे पहले वाला जो पॉइंट वो एक बार छोड़ देना है, उससे नीचे आप आएंगे, यहाँ पर मिस्टर लिख लेना। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, फर्स्ट नाम होता है, उसके बाद में हमने लास्ट नाम लिखना है, जैसे कि मैंने संजय वर्मा लिख दिया। उससे नीचे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अपनी लिख देंगे आप, जैसे जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वह आपको इसके अंदर डाल देनी है। उसके बाद में नीचे आपको मोबाइल नंबर जो हमने दिया हुआ, उसके अलावा एक नंबर और मांग रहे वह आपको देना है। उसके बाद में अपना पिन कोड, जो भी आपका एरिया का पिन कोड होता है वह डालना है। इसके बाद में नीचे आपको एड्रेस वगैरह डालना होता है, जैसे कि मैं, उसके बाद में आपको कहाँ के आप इंडिया के, तो इंडिया डाल देना है। और उसके बाद में आपका स्टेट कौन सा स्टेट डाल देना, जैसे कि मैं हरियाणा डाल देता हूँ। जिससे नीचे आप आएंगे, जैसे कि आप कहाँ से हैं, हिसार से हैं, डिस्ट्रिक्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट डालना है। और आपका जो शहर कौन सा है वह उसके अंदर नीचे डाल देना है। अब हम सबसे ऊपर की साइड आते हैं, जो भी कोड जो कूपन के अंदर था वह इसके अंदर आपको डाल देना है। इसके अंदर आपको अच्छे से ध्यान से डालना है, जो भी अक्षर जैसा भी है सेम उसी तरह का इसके अंदर डाल देना है। यह कोड इसके अंदर आप डाल देंगे, उसके बाद में आपको एक बार फिर नीचे की तरफ आना है। एक दो जो पॉइंट थे वह हमारे रह चुके थे, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इन्होंने एक ईमेल आईडी मांगी हुई है, ये ईमेल आईडी भी अपनी इसके अंदर डालनी ज़रूरी है, ये भी आप डालें, जैसे कि मैंने इसके अंदर डाल दी है। उसके बाद में जैसे कि आप कहाँ के हैं, इसके अंदर प्रॉपर एड्रेस होता है वह भी डाल दें। जैसे कि मैं सभी के अंदर हिसार हिसार करके एक बार आपको दिखा देता हूँ। मैं कर देता हूँ सबमिट। जैसे भी हम सबमिट करते हैं तो इस तरह से आपको सरफेस दिखाई देगा, करंट पॉइंट आपके 40 दिखाई देंगे आपको, यानी कि 40 पॉइंट इसके अंदर आ चुके हैं। अब एंड लॉयल्टी पॉइंट के नाम से ऑप्शन आया हुआ है, रिक्वेस्ट पॉइंट के नाम से, रिचार्ज के नाम से है। तो अब हम करते हैं एड लॉयल्टी पॉइंट, उसके ऊपर आप करेंगे तो जो नेक्स्ट कूपन होगा वह इसके अंदर आपको ऐड करना है। यानी कि देख सकते हैं, जो भी कूपन आप नया लेंगे वह इसके अंदर डालेंगे, जो भी कोड होता है वह इसके अंदर डाल देंगे। इसके अंदर डालने के बाद में आपको कूपन नीचे जाके आपको फिर सबमिट पे करना है। दिखा देता हूँ मैं, जैसे ही हम डालते हैं और इसको हम सबमिट कर देते हैं, ये सबमिट हमने कर दिया है। अब आप देखेंगे कि इसके अंदर आपके 40 पॉइंट और आ चुके हैं।
अब हम बैक करते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई देंगे 80 पॉइंट। जैसे नीचे रिक्वेस्ट पेमेंट, इस पर ओके करते हैं तो यहाँ पर आपको अकाउंट के अंदर जो बैलेंस डालना है, यानी कि इसके अंदर आपको 20 रुपये डालने हैं, 30 रुपये डालने हैं, तो इसके अंदर ओके करके हम ट्रांसफ़र करेंगे, वह हम कर सकते हैं। इससे नीचे रिचार्ज का ऑप्शन है, आपको कौन सा मोबाइल नंबर रिचार्ज करना है इसके अंदर आप डाल के रिचार्ज कर सकते हैं। राइट में 3 पॉइंट्स थे, इसके ऊपर ओके किया। बैंक की डिटेल वाला ऑप्शन था, उसके ऊपर ओके किया। तो यहाँ पर आपको अपनी बैंक की पूरी डिटेल देनी है, यदि आपको बैंक के अंदर जो भी रुपये डालने हैं वह। तो इस तरह से आपको सभी ऑप्शन साइड में दिखाई दे रहे हैं। यस ऑप्शन है, बैंक की डिटेल है, एड कोड, इस तरह के सभी रिचार्ज करना हो। 300 निशान होने के ऊपर दोबारा उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि दोबारा से यही फिर हमारा सरफेस खुल जाता है। आपको ध्यान रखना है जो सुपरएक्स वायर होती है उसके आपको 40 पॉइंट मिलते हैं, 40 पॉइंट के आपको मिलेंगे 10 रुपये, फायर एक्स के 40 पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं। दोस्तों जब भी आप एप्लीकेशन पे ओके करेंगे तो इस तरह का आपको सरफेस दिखाई देगा, और आप इसके अंदर नया कूपन डालेंगे तो ऐड लॉयल्टी के ऊपर ओके कर देंगे। जो डिटेल हमने स्टार्टिंग में भरी थी नए वगैरह, वह सिर्फ आपको एक बार ही भरनी थी, जो हमने एक बार भर दी है, दोबारा से वह डिटेल यह एप्लीकेशन नहीं मांगेगी। इस तरह से कोई भी व्यक्ति यह जो वायर है इसके कूपन को रिडीम कर सकता है, हज़ारों रुपए कमा सकता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है और आपको कुछ भी पूछना हो तो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।